ट्विटर को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने खरीद लिया है। सोमवार देर रात ट्विटर इंक ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। ट्विटर बोर्ड ना चाहते हुए भी आखिरकार एलन मस्क ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कब्जा कर लिया है। हालांकि इसके लिए मस्क को $44 बिलियन खर्च करने पड़े। एलन मस्क के हाथों बिकने के बाद अब ट्विटर बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी चिंतित नजर आ रहे हैं। एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पराग अग्रवाल के भविष्य को लेकर कयास लगने लगे हैं। वहीं पराग अग्रवाल ने इस डील को लेकर टाउन हॉल में हुई एक बैठक में अपने कर्मचारियों से कहा है कि मस्क की लीडरशिप में ट्विटर का फ्यूचर अब अंधकार में है। कंपनी अब किस दिशा में जाने वाली है यह अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। रिसर्च फर्म इक्विलर के अनुसार ट्विटर इंक के सीईओ पराग अग्रवाल को अगर ट्विटर इंक से हटाया जाता है तो अब उन्हें बदले में $42 मिलियन यानी 321 करोड़ रुपए देने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पराग अग्रवाल को आए हुए अभी महज 5 महीने ही हुए हैं। ऐसे में कंपनी के नियम के मुताबिक 12 महीनों के भीतर कार्यकाल समाप्त होने पर ट्विटर इंक को पराग अग्रवाल को अनुमानित $42 बिलियन देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक कार दिग्गज टेस्ला के मुख्य कार्य अधिकारी मस्क पिछले 2 सप्ताह से ट्विटर के शेयर धारकों के साथ बैठकर अपनी बोली के लिए समर्थन मांग रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि ट्विटर को विकसित होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक वास्तविक मंच बनने के लिए निजी तौर पर लेने की जरूरत है। एलन मस्क ने सोमवार रात को ट्वीट कर कहा है, मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। मस्क का यह ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।